श्रीमान कुलदीप कुमार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया। अध्यक्ष जी, दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो मेरे बाबा साहब का संविधान है। अध्यक्ष जी, बाबा साहब अंबेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन किया था और ये कहा था कि अब इस देश में जो भी सरकार बनेगी वो जनता के वोट के अधिकार से सरकार बनेगी। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि आज फिर दोबारा से उस चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने से रोकना, कामों में अड़ंगा लाने का काम जो आज उपराज्यपाल महोदय के द्वारा किया जा रहा है, जो प्रस्ताव अभी भाई सौरभ भारद्वाज जी ने सदन के सामने रखा कि किस प्रकार से शिक्षकों को जो फिनलैंड जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी थी, भेजने का काम करना था, उसको रोकने का काम उपराज्यपाल महोदय ने करने का काम किया। क्योंकि अध्यक्ष जी, दिल्ली के सरकारी स्कूल 2015 से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था थी, कैसे सरकारी स्कूल थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी नागरिक से आप पूछ लीजिए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के क्या हालात थे। अध्यक्ष जी, मैंने खुद 2008 में 12वीं पास की थी दिल्ली के सरकारी स्कूल से, तो मैं तो स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, मुझे पता है क्या व्यवस्था थी वहां पे। आज अध्यक्ष जी, इतना बड़ा बदलाव उन स्कूलों के अंदर आया और मैं जिम्मेदारी से यह बात कह सकता हूं कि वो बदलाव इसलिए आया क्योंकि आज हमारे शिक्षक बाहर विदेशों से ट्रेनिंग लेकर आते हैं और जब वहां ट्रेनिंग लेकर आते हैं वो ट्रेनिंग को लाके स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं, बच्चों में सुधार होता है, उनके एजुकेशन में सुधार होता है और आज वो गरीब का, मजदूर का, रिक्शे वाले का, दलित का, सफाई कर्मचारी का बच्चा एक बड़ा अफसर बनने का सपना देख पाता है, इसकी बदौलत, क्योंकि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। अध्यक्ष जी, ये सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री जी भी है, वो सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली के स्कूलों में जाते हैं क्योंकि उनको चिंता है उन बच्चों के भविष्य की, क्योंकि उनको चिंता है उन बच्चों की पढ़ाई की, उनकी शिक्षा की, और इसलिए ये आइडिया आते हैं, इसलिए इनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। आज से पहले अध्यक्ष जी, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई सरकार किसी को फिनलैंड भेज रही हो, कोई कैम्ब्रिज भेज रही हो, कोई हार्वर्ड भेज रही हो, उनको पता ही नहीं था अध्यक्ष जी, उनका ध्यान वहां पर होता ही नहीं था, उनका ध्यान केवल रानी चमकाने में होता था। लेकिन आज की ये जो सरकार है, इस सरकार का ध्यान अधिक जी शिक्षा के ऊपर है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लेकर आगे है और उसी के लिए आज ये सरकार उस पर काम करने का काम कर रही है अधिक जी। उसके साथ साथ अधिक जी, इस देश में एक नेता है जो अपनी सत्ता में आने के लिए पैदल चल रहे हैं, एक नेता है जो अपनी सत्ता बचाने के लिए रोड शो कर रहे हैं और मुझे इस बात का गर्व है अध्यक्ष जी, एक नेता हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं जो शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के लिए, फिनलैंड जाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हमें गर्व होता है ऐसे मुख्यमंत्री पे, ऐसे नेता पे। अध्यक्ष जी, आज पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से, अभी भाजपा के मित्र भी यहां बैठे थे, जब भी कोई प्रश्न या लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में अध्यक्ष जी आता है वो ऐसे बिदक जाते हैं, उनको जनता ने चुन के भेजा है जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता के काम कराने के लिए। लेकिन यहां बैठकर विपक्ष के साथी हैं, भाजपा के साथी हैं, वो बैठकर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के एजेंट बन के काम करते हैं, उनके वकील बन के काम करते हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है अध्यक्ष जी। और आज जैसे चुनी हुई सरकार के कामों को रोकने का काम किया जा रहा है, लगातार दिल्ली के अंदर किस प्रकार से काम रोके गए अध्यक्ष जी, लगातार कैसे कामों में अड़ंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अड़ाया जा रहा है, संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। और बड़ी बात अध्यक्ष जी ये है कि आज तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो वायसराय हो गए, वो आज कहते हैं कि मैं तो संविधान को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं जनता की पीड़ा को नहीं समझता, मैं उसके दर्द को नहीं समझता, वो किसी को नहीं समझते। ये बहुत दुखद है अध्यक्ष जी, अगर लोकतंत्र के अंदर, अगर डेमोक्रेसी के अंदर, ये देश जो है अध्यक्ष जी, ये देश जो है ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा अध्यक्ष जी, ना कि किसी और की मानसिकता से, ना कि भाजपा के लोग बैठकर एक कमरे में डिसीजन कर ले, ये देश उससे नहीं चलेगा अध्यक्ष जी, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कोई ना करे अध्यक्ष जी। हम सब इसके लिए, जो भी चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उपराज्यपाल साहब हो, सब इस संविधान से बंधे हुए हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसका पालन हम सबको करना पड़ेगा,
इसके नियम में रहकर हम सबको आगे काम करना पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी, जो टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोकने की बात है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे टीचर्स फिनलैंड जाएंगे, वहां से सीख कर आएंगे और वो हमारे बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, दिल्ली सरकार के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और अच्छी होगी, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और हम लोग, मैं पिटीशन कमेटी में भी सौरभ भाई के साथ हूं, हम पिटीशन कमेटी में देखते हैं अध्यक्ष जी कि हर अधिकारी कोई ना कोई दबी जवान में आके कह जाता है कि उपराज्यपाल दिल्ली के कामों को रोकने का काम कर रहे हैं, जो असंवैधानिक रूप से उसको रोकने का काम कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से रोकने का काम कर रहे हैं। और ये दिल्ली के लिए, देश के लिए बहुत दुखद है। इस डेमोक्रेसी के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार सर्वोत्तम है। चुनी हुई सरकार, चुने हुए विधायक, चुने हुए मंत्री। और एक बात की और दुखद है अध्यक्ष जी, कल माने मुख्यमंत्री जी, सभी विधायक, सभी मंत्री यहां से इकट्ठा होकर उपराज्यपाल साहब के पास गए और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के नुमाइंदे, जिनको एक ऐसी सरकार, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान किया उनसे ना मिलके। तो ये दुखद है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सौरभ भाई ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो फिनलैंड टीचर को जाने से रोकने का काम किया है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, विरोध करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।